जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बड़ा गांव धसान से खबर है, उत्तर प्रदेश गिद्वाहा से लुढ़कते हुए बागेश्वर धाम जा रहे भक्त 9 बजे पहुंचे बड़ा गांव धसान। ललितपुर जिले के उत्तर प्रदेश गिद्वाहा का रहने वाला मीतू वर्मा लुढ़कते हुए जा रहे बागेश्वर धाम। बड़ा गांव धसान में पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा, हम कोई भी मनोकामना लेकर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी मनमर्जी से बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद लेने के लिए लुढ़कते लुढ़कते जा रहे हैं। घर से चलते चलते 5 दिन बीत गए। आए दिन सोमवार तक सुबह 9 बजे बड़ा गांव धसान अभी पहुंचे। वहीं आपको बता दें, भक्तजनों ने बताया अपनी खुशी से जा रहे हैं और कहा 10 दिन लगे या 15 दिन बीत चुके हैं, हम बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और पहुँच कर यही कामना करूंगा कि सबकी रक्षा करें बालाजी सरकार, इसी तरह ग्रामवासियों पर कृपा बनाए रखें। बागेश्वर धाम ग्रामवासियों ने किया जोरदार स्वागत। दोपहर की भोजन की व्यवस्था वीरेंद्र साहू ने की। विश्राम ऐसे ही आगे चलते रहे। ककरवाहा के ग्रामवासी बड़ा गांव तक छोड़ने के लिए ग्रामीण स्वागत में रहे, जिसमें उपस्थिति सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। बाबूलाल शिक्षक, सुनील जोगी, मेहरबान सिंह खंगार, दिलीप सिंह खंगार, मुकेश साहू, राजेश राय, रामकिशन राय, गांधी यादव, सीताराम नामदेव, जगदीश साहू, आकाश विश्वास, डॉक्टर राकेश राय, सुरेश रॉय, काशीराम विश्वकर्मा, केशव रजक, दीपक परिहार, ग्यासी कुमार, गंगाराम नामदेव, संजय खंगार, रोहित सेन, प्रदीप खंगार बड़ागांव से भक्तों में जोरदार जय श्री राम के जयकारा लगाते हुए भक्तों को आगे बढ़ाया। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ से एमपी ब्यूरो कमल राजपूत के साथ बड़ागांव से अजय खंगार की खास रिपोर्ट। और क्या उद्देश्य है आप जो लुढ़कते हुए बागेश्वर धाम की ओर जा रहे हैं, इसके लेकर क्या उद्देश्य है आपका, क्यों जाना चाहते हैं? सर किसी से जा रहे हैं तो क्या मनोकामना लेके आप जा रहे हैं? मनोकामना नहीं, सिर्फ महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, महाराज जी का आशीर्वाद, तो किस मनोकामना को लेकर आप यह आशीर्वाद चाहते हैं? यानी कि हम तो शांति से रह रहे, कुछ नहीं करें। क्या आपके जीवन में अभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कहाँ से आए हैं? गिद्वाहा से। आप जो बागेश्वर धाम की ओर जा रहे हैं और भैया भी साथ में आपके हुए लुढ़कते हुए जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इससे जा रहे हैं आप? जी उद्देश्य वैसे खास कुछ नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार बाबा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, वहाँ भगवान श्री बजरंगबली बाबाला जी के दर्शन करना चाहते हैं। जी, और ऐसी कोई मनोकामना लेके जा रहे हैं कि हमारा कार्य पूरा हो, इस प्रकार से आप यह पेड़ भर के जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? इसलिए ऐसी खास मनोकामना कोई नहीं है, हम तो हमारे पास उनका दिया सब कुछ है और वो देंगे, लेकिन आशीर्वाद की मनोकामना से जा रहे हैं।